पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,000 करोड़ से ज्यादा के महाघोटाले को लेकर कांग्रेस ने जहां मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वहीं अब आरजेडी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर कहां गया चौकीदार। तो वहीं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर ट्वीट कर करारावार किया है। देश में हुए महाघोटाले के सामने आने के बाद से ही मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम ने घपले को लेकर सीधा सरकार को घेरा है। जहां कांग्रेस ने नीरव मोदी को छोटा मोदी कहकर पीएम मोदी पर तंज कसा है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो घोटाले के पीछे सरकार का हाथ होने की आशंका जताई है। इस बीच अब चारा घोटाले को लेकर जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नेहरू ने ललित मोदी, विजय माल्या और अब नीरव मोदी को लाखों करोड़ों का घोटाला करने के बाद देश से भगा दिया है ना, कहाँ है चौकीदार। आपको बता दें कि पीएम मोदी खुद को देश का सेवक और चौकीदार बताते आए हैं, इसे लेकर ही लालू ने पीएम पर हमला बोला है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर ट्वीट करते हुए हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि आईपीएल घोटाले वाले ललित मोदी और बैंक घोटाले वाले नीरव मोदी के बाद मोदी सरकार को सृजन घोटाले वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। उन्होंने घोटाले का सारा काला धन अपने भाई आरके मोदी की कंपनी आशियाना हाउस में लगाया है। गौरतलब है कि बिहार में सृजन घोटाले को लेकर सुशील मोदी घिरे हुए हैं। नीरव मोदी के बहाने ही यहां तेजस्वी ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।